स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज का जो टॉपिक है कि जब आपको सीसी करना रोड बनाना है, जैसे कि आप देख रहे हैं रोड कास्टिंग हो रहा है, तो इसमें टोटल मटेरियल कैलकुलेट कैसे करते हैं, या कहीं भी आपको पीसीसी कराना है या ब्रिक सोलिंग कराना है तो उसका क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये पूरा डिटेल में मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। जब आपको कभी भी रोड बनवाना होता है तो उसका लेंथ अगर आप जान गए हैं तो लेंथ के अकॉर्डिंग आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतना मटेरियल लगने वाला है। तो चलिए आज एग्जांपल के तौर पे हम 100 फीट लंबा रोड और 10 फीट चौड़ा रोड का कैलकुलेट करके आपको बताने जा रहे हैं। सिविल साइट नॉलेज से हमेशा जुड़े रहिए, क्योंकि सिविल साइट नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता है। यहाँ पे देखिए ब्रिक्स नीचे में देखिए ब्रिक सोलिंग किया गया है, तो ब्रिक सोलिंग का भी ब्रिक का क्वांटिटी निकाल कर बताएंगे कि ब्रिक का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। नीचे में बिछाने के लिए जो नीचे में जो डाला गया डायरेक्ट, तो आप कंक्रीटिंग उस पर कर नहीं सकते हैं, इसलिए ब्रिक का भी क्वांटिटी मैं निकाल कर बताऊंगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सिविल साइट नॉलेज को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करना ना भूलें। ज्वाइन भी कर सकते हैं, सिविल साइट नॉलेज को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, फेसबुक से जुड़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, घर का नक्शा बनवा सकते हैं। सिविल से रिलेटेड जो भी आपको नॉलेज चाहिए ये सिविल साइट नॉलेज से आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं सीसी रोड जो बन रहा है 100 फीट लंबाई अगर बनाना है 100 फीट का रोड और 10 फीट चौड़ाई, तो उसमें ब्रिक कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, एग्रीगेट प्लस में वाटर, ये पूरा हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ लीजिए कि आपके पास जो रोड है ये आपका लंबाई कितना है, 100 फीट का रोड आपको कास्टिंग करना है सीसी रोड, यानी कि पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट होना चाहिए। ओके, और 10 फीट चौड़ा है तो इसमें सीमेंट सैंड एग्रीगेट कितना लगेगा, साथ में ब्रिक कितना लगेगा, ये जानेंगे। ब्रिक क्या कैसे करते हैं कि देखिए डायरेक्ट जो अपन सॉइल होता है, सॉइल का जो लेयर होता है उसको क्या करते हैं, पहले कंपैक्ट करके एक लेवल में करते हैं, लेवल में करने के बाद ब्रिक सोलिंग करते हैं उसके ऊपर। तो ब्रिक जब सोलिंग करते हैं तो नंबर ऑफ ब्रिक कितना लगने वाला है इसका भी कैलकुलेट करना होगा और इसका एस्टीमेट करना आप सीख जाएंगे। तो ब्रिक जो सोलिंग करते हैं तो देख लीजिए, ये मान लीजिए ब्रिक सोलिंग है, ब्रिक का लेयर है या ब्रिक सोलिंग है, तो एक ब्रिक और एक ब्रिक दोनों ब्रिक के बीच में आपको 10 mm यानी हाफ इंच आपको क्या करना है, गैपिंग प्रोवाइड करना है ताकि एक दूसरे के बीच का जो ब्रिक है वो बाइंड हो सके, पकड़ बन सके, तो ये गैपिंग प्रोवाइड करना है। तो अब ये डिपेंड करता है कितना ब्रिक लगेगा और ब्रिक के साइज पे डिपेंड करता है। तो अभी देखिए इसका एरिया आप निकाल लीजिए, टोटल आपको एरिया कितना चाहिए था, इसका एरिया कितना चाहिए जहां पे आपको रोड बनाना है, तो एरिया यानी क्षेत्रफल निकाल लीजिए इसका, तो एल इंटू बी होता है। तो यानी कि एल कितना है 100 फीट है, इंटू बी कितना चौड़ाई कितना है 10 फीट, यानी कि 1000 स्क्वायर फुट एरिया में आपको ब्रिक सोलिंग करना है। और कैसे कैलकुलेट करेंगे थोड़ा आपको आइडिया मैं देता हूं। मान लिया जाए कि ये ब्रिक सोलिंग किया हुआ है तो इसमें नंबर ऑफ ब्रिक कैसे लगेगा, कितना लगेगा, ये कैलकुलेट करना है। तो ब्रिक का साइज जो होता है ये इस पर डिपेंड करता है कि एक ब्रिक कितना एरिया कवर करेगा। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए ब्रिक का जो साइज होता है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक है, यानी कि 1990 देखिए एमएम में है, ये क्या है एमएम में है, ये भी एमएम में 19 mm और 190 mm, यानी कि स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक होता है 190, देखिए ये एमएम में है, ये भी एमएम में है और ये भी एमएम में है, यानी एमएम है, यानी कि 190 mm, 90 mm, 90 mm, यानी कि 19 cm इंटू 9 cm इंटू 9 cm, ये स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए ब्रिक है। ओके, अगर ये ब्रिक है लेकिन विदाउट मोर्टार, इसके बीच में कोई गैपिंग नहीं है तो ये ब्रिक का साइज है, लेकिन जब हम ब्रिक सोलिंग करेंगे तो इसके बीच में गैपिंग प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो इसके बीच में जब गैपिंग प्रोवाइड करेंगे तो इसका जो साइज हो जाएगा 200 × 100 mm × 100 mm, यानी 10 mm प्लस एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा इसमें। इंच में बात कर लिया जाए तो 8 इंच बाई 4 इंच बाई 4 इंच, ये डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कौन से किस साइज के ब्रिक यूज हो रहा है, यानी कि 8 इंच 4 इंच बाई 4 इंच का ब्रिक हो रहा है, यानी 10 इंच या 5 इंच
10 5 बाई 3 इंच का, ये आपका इस साइज का भी ब्रिक होता है। ओके, तो आपके एरिया में डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया में जो आप ब्रिक सोलिंग कर रहे हैं किस साइज का, स्टैंडर्ड साइज का यूज कर रहे हैं या 10 5 बाई 3 का यूज कर रहे हैं। ओके, तो देखिए एक ये ब्रिक का साइज है। जैसा कि मैंने बताया कि जब हम ब्रिक सोलिंग करते हैं तो ये देखिए आपका ये चौड़ा, ये देखिए चौड़ाई हो गया, ये इसका थिकनेस हो गया और ये आपका लंबाई हो गया ये ब्रिक का। लेकिन जब हम साइड पे क्या करेंगे, जब हम रोड में जब ये क्या करेंगे बिछाएंगे ब्रिक, तो एक फ्लैट एरिया में बिछाएंगे, यानी कि 8 इंच का और 4 इंच का साइज का बिछाएंगे, यानी कि इसका एरिया हम निकालेंगे, क्या करेंगे आपका एरिया निकालेंगे। ओके, तो एक ब्रिक कितना एरिया कवर करेगा, अगर हम एक ब्रिक का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ वन ब्रिक कवर कितना करता है, तो अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो 8 इंच इंटू 4 इंच कर लेंगे तो एक एरिया कवर कितना करे ये तो मालूम चल जाएगा। ओके, तो चलिए तो यहां पे ध्यान दीजिए आप, कवर एरिया यानी कि वन ब्रिक कितना एरिया कवर करता है, एक ब्रिक अगर हम कहीं बिछाते हैं तो ये कितना करेगा, इसी का एरिया निकाल लें, वन ब्रिक एरिया कवर्ड बाई वन ब्रिक एरिया, तो एरिया कितना हो जाएगा 8 इंटू 4 इंच। अब देखिए एक फुट में निकाल लेते, एक फुट बराबर होता है 12 इंच होता है, तो ये इंच में है तो हमें फुट में चेंज कर लेना है, तो फुट में अगर हम चेंज कर लेंगे तो फुट में चेंज करेंगे तो 0.67 इंटू 0.33, देखिए यहां पे 8 डिवाइडेड बाई 12 कीजिएगा तो 0.67 आएगा और 4 डिवाइडेड बाई 12 कीजिएगा तो 0.33 आएगा। तो एरिया कवर बाई वन ब्रिक का एरिया कवर कितना, ये जो आएगा वही आएगा, यानी कि ये कीजिएगा तो 0.22 स्क्वायर फुट, ये फुट में एरिया कवर करेगा 0.22। अब देखिए एक ब्रिक जो है आपके पास, एक ब्रिक एरिया जो कवर कितना कर रहा है 0.22 स्क्वायर फुट, और टोटल एरिया आपके पास कितना है 10 फीट चौड़ा रोड है और 100 फीट लंबा है, तो इसका एरिया हम निकाल लें 1000 स्क्वायर फीट आया है। अब क्या करेंगे, टोटल इसमें ब्रिक जो हम सोलिंग करेंगे टोटल कैसे निकाल पाएंगे, तो एक ब्रिक का जो एरिया है टोटल एरिया से अगर डिवाइड कर देते हैं, भाग देते हैं, तो एरिया निकल जाएगा टोटल ब्रिक, तो टोटल नंबर ऑफ, यहां देखिए नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इन रोड, रोड में जो भी लगेगा कि 100 फीट लंबा में 10 फीट चौड़ा में, यानी कि 1000 स्क्वायर फीट इसका एरिया निकालें और डिवाइडेड एक का एरिया 0.22 कर देंगे तो ये आएगा 4500। आप भी कैलकुलेट कीजिए तो इतना नंबर आएगा, अप्रोक्स मान लिया जाए यहां पे 4550 मैं कर देता हूं, तो ये ब्रिक्स लगेगा, यानी कि इसमें जो सोलिंग करेंगे तो इसमें 4550 ब्रिक लगेगा। ओके, तो ये 4500 आपका ब्रिक लगेगा इसमें सोलिंग करने में। अब यहां पे देखिए ध्यान देते हैं कि कहीं कहीं आप कोई क्वेश्चन कर देता है कि सर इसमें वेस्टेज इंक्लूड करेंगे कि नहीं, तो देखिए जब हम ब्रिक सोलिंग करते हैं तो उसमें वेस्टेज इंक्लूड नहीं करते हैं, तो वेस्टेज जो होता है उसका परसेंटेज हम इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए कि जो भी वेस्टेज टुकड़े होते हैं वो इसी में लग जाता है, तो इसमें ब्रिक सोलिंग में ही लगा दिया जाता है, टुकड़ों को फेंका नहीं जाता है, उसको यूज कर लिया जाता है, तो ये निकल गया। अब चलिए कैलकुलेट करेंगे सीमेंट सैंड एग्रीगेट कैसे कितना लगेगा। ओके, अब आपको कैलकुलेट करना है सीमेंट सैंड एग्रीगेट। देखिए जो रोड कास्टिंग हो रहा है और इसमें देखते हैं कि सीमेंट कितना लगेगा, सैंड और एग्रीगेट, ब्रिक का क्वांटिटी निकाल लिए कि जो सोलिंग हुआ है उसका ब्रिक का क्वांटिटी निकाल लिए। अब जो मिक्सिंग करेंगे तो मटेरियल, ड्राई मटेरियल कितना लगेगा, वेट में भी चेंज करते हैं, तो पूरा आप वीडियो लास्ट तक देखें। अब क्या करना, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट, ब्रिक का क्वांटिटी हमने कैलकुलेट कर लिया कि ब्रिक कितना लगने वाला है। ओके, तो सीमेंट सैंड यानी 100 फीट यानी 100 फीट क्या है आपका लंबाई रोड है, 10 फीट चौड़ा है और 0.5 फीट आपका थिकनेस है यानी कि मोटाई है, ये जो देख रहे हैं थिकनेस, ये रोड हो गया, ये मोटाई है 6 इंच का। ओके, तो इसका वॉल्यूम पहले निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम
आयतन निकालेंगे तो वॉल्यूम इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच होता है, होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि एल कितना है, लंबाई कितना 100 इंटू चौड़ाई कितना 10 फीट इंटू हाइट कितना है यानी कि थिकनेस कितना है 6 इंच यानी 0.5 फीट। क्लियर। तो अब यहां से इसका हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कीजिए आप भी साथ साथ में कैलकुलेट कीजिए। तो ये कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये आएगा 500 CFT, यानी कि 500 CFT लगने वाला है इसमें मटेरियल। अब यहां पे देख लीजिए कि क्यूबिक मीटर में थोड़ा बता दूं, 1 क्यूबिक मीटर ये क्या है CFT में है यानी कि फीट में है, लेकिन ये क्यूबिक मीटर यानी कि मीटर में भी कोई लोग नहीं जानता है कि मीटर में भी चेंजिंग करना, उनके लिए मैं बता दूं 1 क्यूबिक मीटर बराबर होता है 35.32 CFT, यानी कि इतना CFT के काम हो रहा था कितना क्यूबिक मीटर काम हो रहा है ये जान लीजिए। तो यानी कि हम क्यूबिक मीटर में चेंज कर देंगे तो 500 डिवाइड में 35.32 डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 14.15 क्यूबिक मीटर, यानी कि इतना क्यूबिक मीटर का वर्क होने वाला है कि 100 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा, 6 इंच चौड़ा करेंगे तो इतना क्यूबिक मीटर और इतना फीट हो गया। यानी कि हम यहाँ पे इक्वल लिख देते हैं 500 फीट लगने वाला CFT लगने वाला है यानी कि 14.15 क्यूबिक मीटर लगने, ये आपका यूनिट फीट में है और ये क्यूबिक मीटर में है। ओके, अब यहाँ पे अब आपको जानना है कि इसमें मटेरियल कितना लगने वाला है। ओके, तो सबसे पहला नंबर ये जानिए कि कैसे मटेरियल कैलकुलेट करते हैं, ये डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ ए कंक्रीट पे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट जो मिक्सिंग हो रहा है जैसे कि आपने देख रहा है जो कंक्रीट आपको मिक्सिंग होने वाला है तो उस पर डिपेंड करता है किस ग्रेड का यानी किस रेशियो का बनाया जाता है, किस रेशियो से सीमेंट सैंड एग्रीगेट यूज कर रहा है किया जा रहा है साइट पे उस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है सीमेंट सैंड एग्रीगेट किस रेशियो पे। तो ग्रेड ऑफ M20 ग्रेड हम रोड में यूज करें, ग्रेड ऑफ M20 का रेशियो था 1:1.5:3। ये देखिए तो ये क्या आपका सीमेंट, 1 क्या शो करता है सीमेंट, ये क्या करता है 1.5 सैंड, थ्री क्या शो करता है एग्रीगेट, ये कोर्स एग्रीगेट है। ओके, तो रोड में जनरली लोग जो यूज करते हैं ओवर 20 mm यूज करते हैं, दोनों मिक्स करके डाल सकते हैं एग्रीगेट सैंड और सीमेंट। अब देखिए M20 ग्रेड का सीमेंट अगर कंक्रीट यूज हो रहा है तो इसको आप याद कर लीजिए, लेकिन इससे मैं एक अलग से वीडियो बना दिया हूँ। M20 ग्रेड अगर कंक्रीट यूज होता है, क्या M20 ग्रेड कंक्रीट यूज होता है तो इसमें जो सीमेंट लगता है यानी कि आपका सीमेंट 8 बैग लगता है, 8 बैग कितना 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर का काम होता है तो इस 1 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी काम होता है सीमेंट 8 बैग लगेगा, सैंड जो लगता है 0.44 क्यूबिक मीटर सैंड लगता है और एग्रीगेट जो लगेगा 0.88 क्यूबिक मीटर। देखिए प्रैक्टिकली मैं बात कर लूं तो थोड़ा सा सैंड ज्यादा लगता है, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सैंड ज्यादा लगता है, तो एग्रीगेट जो लग रहा है 0.88 क्यूबिक मीटर सैंड इतना। अगर आप ये निकालना जानना चाहते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर में ये कैसे कैलकुलेट हुआ तो इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिला हुआ है, वो वीडियो को जाकर देखिए, मैं इस पे एक वीडियो बना दिया हूँ, वहां पे जाएंगे तो M20 ग्रेड का मटेरियल कैलकुलेशन मैं बता दिया हूँ कि कैसे कैलकुलेट होता है। सिंपल वे आप यहाँ पे समझ लीजिए क्योंकि वीडियो लॉन्ग जाता है। देखिए क्या करते हैं कि मैं बेसिक बता देता हूँ, 1:1:1.5:3, तो ये रेशियो को जोड़ लीजिए 1+1.5+3। ओके, इस रेशियो को प्लस कर लीजिए तो कितना आएगा 5.5, ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5.5। अब क्या करें सीमेंट निकालना है, सीमेंट निकालना है तो देखिए 1 × अगर इसका डेंसिटी क्या होता है 1. कंक्रीट का 1.54 और डिवाइडेड बाई 5.5 कीजिएगा तो ये सीमेंट निकल जाएगा यहाँ से, ये क्यूबिक मीटर में आएगा, उसको बैग में चेंज कर लीजिए 18.88 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बैग में चेंज होगा। ये कैलकुलेट करके आप मेरे को कमेंट कीजिए कितना आ रहा है। उसी तरह अगर सैंड निकालना चाहते हैं तो 1.5 × 1.4 डिवाइडेड में 5.5
5.5 तो ये सेंड आ जाएगा 0.44। जो भी कैलकुलेशन कीजिएगा उसी तरह आप सेम अगर करते हैं, अगर एग्रीगेट के 3 × 1.54 सॉरी यहाँ पर 5.4, कहीं कहीं कोई 1.52 लेता है कंसिडर करता है, कहीं कहीं लोग ये जो ये डेंसिटी है इसका जो अब लोग लेते हैं 1.54 या 1.52 ले लेते हैं। ओके अब 5.5 तो ये आ जाएगा 0.88। ये हो गया सीमेंट सेंड। अब देखिए चलिए ये मैं आपको बता दिया, इसकी अलग से डिटेल जानना चाहते हैं एक वीडियो बना हुआ है। अब देखिए टोटल वर्क आपको कितने के होने वाला है, यानी 14 जो रोड कास्टिंग होने हैं 14.15 क्यूबिक मीटर का होने वाला है। तो सैंड निकाल लीजिए, सैंड लिखे 14.15 इंटू देखिए एक क्यूबिक मीटर में 0.44 लग रहा है, यानी कि 0.44 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6.26 क्यूबिक मीटर सैंड लगने वाला है। एग्रीगेट, एग्रीगेट कितना लगेगा 40, टोटल क्वांटिटी कितना आपको वर्क होने हैं 14.15 इंटू 0.88, तो इसके जस्ट डबल यानी 12.452 क्यूबिक मीटर लगने वाला है। उसी तरह सीमेंट, सीमेंट यानी 14.15 इंटू अब देखिए सीमेंट एक 8 लगने वाला है एक क्यूबिक मीटर में, तो 8 बैग से मल्टीप्लाई कीजिए कि 113 बैग सीमेंट लगने वाला। इसका समरी जान लीजिए। ओके अब देखिए अब जब रोड कास्टिंग करेंगे, सीसी रोड अगर बनाते हैं 100 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा, तो उसमें ब्रिक सोलिंग, ब्रिक जो लगने वाला है सोलिंग करने के लिए 4550 ब्रिक टोटल लगने वाला है, जिसमें सैंड 220 सीएफटी। देखिए अभी आपने कैलकुलेट किया है यहाँ पे कितना आपका क्यूबिक मीटर लग रहा है, तो इसको फीट में चेंज कर लीजिए तो 35.32 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 220 आएगा। कितना आएगा 220 सीएफटी लग रहा है, एग्रीगेट 440 सीएफटी लगेगा और सीमेंट आपका लगेगा 113। अब इसी तरह अगर आप मटेरियल का कॉस्ट जानना चाहते हैं, मटेरियल का कॉस्ट जानना चाहते हैं, तो ये जो आपके एरिया में जो भी मटेरियल लगने वाला है, जो भी मटेरियल आपके एरिया में देख लीजिए, पता कर लीजिए कि ब्रिक कैसे नग मिल रहा है, सैंड कैसे मिल रहा है, सीएफटी एग्रीगेट कैसे मिल रहा है और सीमेंट कैसे मिल रहा है, ये मटेरियल का कॉस्ट जान जाएंगे। अगर आपके पास एक बेसिक आइडिया हो गया कि 100 फीट का रोड अगर हमें कास्टिंग करना है 100 फीट का 10 फीट चौड़ा तो इतना मटेरियल लगने वाला है। ओके तो उसी तरह आप कैलकुलेट कर लेंगे कि एक फीट में निकाल लेंगे तो एक फीट में निकालेंगे 100 से भाग कर दीजिएगा सब में, तो जितना क्वांटिटी जितना फीट का निकालना होगा मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, तो ये कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट आप निकालेंगे। मैन पावर देखिए, मैन पावर कितना लगना होगा कास्टिंग करने में, तो ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं भी वीडियो लेकर आऊंगा कि मैन पावर कितना लगेंगे कि ताकि 100 फीट रोड जो आपको कास्टिंग करना है तो कितना लेबर का चार्ज हम बियर कर सकते हैं, ताकि आपको एक एस्टीमेट, जब कभी भी आपको एस्टीमेटिंग एंड कॉस्टिंग के काम कराना हो तो सिविल साइट नॉलेज से आप जुड़िए। अगर इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं जो भी मैंने बताया, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जाकर ले सकते हैं 100 फीट का रोड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हो टेलीग्राम का, ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सिविल साइट नॉलेज से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।